नमस्कार, मैं कपीश भल्ला और आप देख रहे हैं उदयपुर खबर। उदयपुर की डेलीगेट चौराहे की जो यातायात व्यवस्था है, जो लगातार कई समय से चरमराई हुई आ रही थी, सामने रेंगती हुई नज़र आ रही थी। कई देर तक की यातायात व्यवस्था चौराहों पर चलने वाले लाइटों की वजह से रोकने वाली स्थिति में आ जाते थे, और जब तक ग्रीन लाइट नहीं आए तो वह तब तक रुके रहते थे। उसी रुकावट के तहत कई बार डेलीगेट से लगाकर कोर्ट चौराहे और वहाँ तक डेलीगेट जाम हो जाता था। फिर दूसरी तरफ बात करें कि डेलीगेट से टाउन हॉल रोड लेक सिटी होंडा तक वो जाम हो जाता था। इसी व्यवस्था को सुधारात्मक स्थिति में लाने के लिए जिला प्रशासन ने कई निरीक्षण करते हुए डेलीगेट की यातायात व्यवस्था को बदलने का प्रयास करते हुए एक राउंड अबाउट का कार्य किया था। उसके तहत हो सकता है उदयपुर शहर की जनता को कुछ परेशानियाँ देखने आई हो सामने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो यातायात व्यवस्था एक सुचारू रूप से चल रही थी, और चलने के साथ ही वह कहीं पर भी किसी भी दिशा से यातायात चलाने वाले वाहन चालक को रुकना नहीं पड़ रहा था। लेकिन जिस तरह से कोर्ट ने यहां पर व्यवस्थाओं को संज्ञान में लेते हुए एक स्टे जारी किया और वापस से पुरानी व्यवस्थाओं को काबिज करने का निर्देश जारी किए, उसके बाद एक बार फिर उदयपुर शहर के लोग जो पहले ये बात कर रहे थे कि जिला प्रशासन बाहर से है, कहां से है, फलांसा से है, ढीका से है, उन्हीं बातों को लेकर जो हजारों सवाल खड़े कर रहे थे, अब एक बार पुनः वह स्वयं सुखबुगाट और दबे स्वरों में ये कहते नज़र आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं जिला प्रशासन ने जो व्यवस्था काबिज की थी वह सही थी, और एक बार डेलीगेट चौकी के चक्कर लगाते हुए आ रहे थे तो कहीं ना कहीं वो यातायात व्यवस्था सुनिश्चित और सुरक्षित हो चुकी थी। लेकिन अब देखने वाला विषय यह है कि जिन लोगों के द्वारा ये कृत्य करके और शहर की 6.5 लाख जनता को दुखी करने का काम किया है, वे स्वयं जो दुकानों के बाहर अपने नियत क्षेत्र से आकर 10 से 12 फीट अपने सामान को जमा कर यातायात व्यवस्था को बाधित कर रहे हैं, क्या वो सही है, या उन्हें भी हटाने के लिए कोई व्यक्ति या कोई जिम्मेदार उनकी तरफ देखेगा। हालांकि डेलीगेट पर फैलाए जा रहे अतिक्रमण को लेकर कई बार निगम ने भी नोटिस थमाए हैं, निगम के जिम्मेदारों ने भी इनको हटाने का बहुत प्रयास किया गया है। हालांकि जब भी गाज गिरती है तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो गरीबों पर गाज अवश्य गिरती है। हालाँकि गरीब कोई भी नहीं है, क्योंकि 2 वक्त की रोटी सभी खा रहे हैं। आज एक आदेश के बाद धानमंडी थाना पुलिस ने, हालाँकि धानमंडी थाना से लगा कि डेलीगेट चौराहे तक जो भी अव्यवस्थित व्यवस्था थी उसे बदलने का काम कर दिया है। यहाँ पर 6 से 7 लाइसेंसधारी थे जो निगम से लाइसेंस लेके सब्जी बेचने का काम करते थे, उन्हें मौके से हटा दिया गया है और पार्किंग के बाहर एक बड़ा स्पेस खाली कर दिया गया है। हालांकि स्पेस तो खाली कर दिया गया है, लेकिन चौराहे की जो यातायात व्यवस्था है वह अभी भी चरमराई हुई है। जिन लोगों ने अपने जनहित के मुद्दे उठाने का ठेका ले रखा है, उन ठेकेदारों से हम भी निवेदन करते हैं कि कहीं ना कहीं वो सामने आकर अब यातायात व्यवस्था जो एक बार फिर से उनके उठाए मुद्दों की वजह से चरमरा गई है, तो वो अब सामने आकर यह भी बताए कि आखिरकार इस बिगड़ती हुई यातायात व्यवस्था से आखिरकार 6.5 से 7 लाख उदयपुर जनता को राहत कैसे दिलाई जाए। क्योंकि आप देख सकते हैं इन चित्रों के माध्यम से कि किसी भी दुकानदार के बाहर 10 से 12 फीट के अतिक्रमण फैलाए गए हैं, वहीं अपनी आजीविका और अपनी गरीबी का हवाला देते हुए ठेला लगाने वाले ये व्यवसायी उदयपुर शहर के नहीं हो जिस तरीके से कार्य करते हैं, जहां चाहे मन चाहे वहां ठेला खड़ा कर देते हैं, चाहे यातायात उनकी वजह से जाम हो रहा है, बाधित हो रहा है, लेकिन वह अंच भर भी हिलने का नाम नहीं लेते हैं। यहाँ तक कि जिन लोगों को आने और जाने में तकलीफ हो रही है उन्हीं को 2 बात सुनाकर वे गाली गलौज करने तक आ जाते हैं। यहाँ पर व्यवस्था ऐसी बिगड़ गई है कि पैदल चलने वाले राहगीर को मात्र पैदल चलने के लिए जगह नहीं मिल रही है। ऐसे में जिला प्रशासन ने एक आयाम पेश करते हुए, एक सौगात पेश करते हुए राउंड अबाउट का कार्य किया था, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो जनहित के मुद्दे उठाने वाले उन जिम्मेदारों ने जरूर अपने सर पर जीत का सेहरा बांध लिया है, लेकिन उदयपुर की 6.5 से 7 लाख पब्लिक अब कहीं ना कहीं दुखी होती हुई नज़र आ रही है।